की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अपने वच्चे 24 घंटे में उनके बीच में काम करता हूँ, उसके जवाबदार कौन है? यही जनप्रतिनिधि जिसको हम वोट देकर के वो पहुंचाते हैं संसद में। ये लोग हमारे हिंदू धर्म के एक पैसे का काम नहीं करते। मैं अनुभव करके इस आज मंच पर बोलने के लिए मिला है, इसलिए उनको भी हम ज्ञापन देंगे और उनको चेतावनी भी देंगे कि आप संभल जाओ। संभलने की पारी है। 11 तारीख को संसद जब चलेगी उसमें राम मंदिर के पक्ष में आप लोग को बोलना होगा और बिल लाना होगा और बिल ला करके राम मंदिर बने, ऐसा भव्य मंदिर बने। जिस तरह से हम वहां पर पूजा तो हो ही गई है, खाली भव्य मंदिर का निर्माण होना है। मंदिर तो है ही है वहां। દાદરા નગર હવેલીનું પ્રતિનિધિત્વ હું કરું એટલે મારી જવાબદારી કહેવાય કે આખો જે ભી ગયા સૌથી ઉત્તમ મોટું કામ છે ભગવાનનું કામ એ જ, આનાથી બીજું મોટું છે। પ્રશાંત પાટીલને કાર્યકારી અધ્યક્ષ બનાવીશું, નંબર છે આપણે છે ને। એક બીજું તમને कि आज बैठक की गई थी और तमाम जो लोगों के बीच में आज किस तरह की बातें हुई है, जो रूपरेखा तैयार किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे? आज हम लोग ने जो दादरा नगर हवेली सिलवासा में जो मीटिंग किया गया था उसके अंदर में हमारे सब वलसाड़ के पदाधिकारी और विश्व हिंदू परिषद के और RSS के पदाधिकारी सभी आज शामिल हुए और बड़ी तादाद में और प्रदेश के सभी जगह जगह से लोग आए थे और अपना अपना कार्य प्रणाली 18 तारीख के दिन जो हमारा एक ध्येय है और हमारा जो एक सभा होने वाली है 18 तारीख के दिन वापी के अंदर में, उसके संदर्भ में हमारा आज मीटिंग हुआ। क्या निर्णय लिया गया है, क्या लक्ष्य है आपका? आपको भी प्रदेश प्रभारी बनाया गया है तो क्या लक्ष्य है? मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि सब हिंदू भाइयों को मुझे इकट्ठा करना है और राम मंदिर बनाना हमारा बहुत पहले से चालू है और हम लोग ने जो आज सभा का जो नियोजन किया 18 तारीख का, उसमें हम लोग का और प्रदेशवासियों का बहुत सहयोग मिलने वाला है और हमारा एक ही हेतु है कि राम मंदिर बने। आज सांसद जी को भी एक आवेदन, आज हम लोग ने सांसद जी को भी आवेदन पत्र सौंपा है और उनका भी हमको बहुत बहुत प्रतिसाद मिला है। किस तरह से आपकी अगुवाई में जिस तरह से पूरा दादरा नगर हवेली के तमाम युवा हो चाहे हर तरह के वर्ग के लोग जो सामने आके काम कर रहे हैं, किस तरह का एक अलग से रूपरेखा देखी जा रही है और किस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद द्वारा जाहिर सभा का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के अंदर जल्द से जल्द राम मंदिर बने उस हेतु से संसदीय क्षेत्र के अंदर वापी सिलवास और दमन को ध्यान में रखते हुए वापी के अंदर एक जाहिर सभा का आयोजन किया 18 दिसंबर के अंदर। हमारा विषय हेतु यही है कि गवर्नमेंट इस मंदिर के अंदर जल्दी जल्दी मंदिर बनावे और अपने कायदा ऐसा लावे कि जिससे अयोध्या का मंदिर निर्माण हो। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का मंदिर का निर्माण किया था, ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जो बीजेपी सरकार से जुड़े हैं वो एक अध्यादेश लावे और इसका मंदिर का निर्माण हो। बस हमारे यही संकल्प है। धन्यवाद। जय श्री राम।